सब्सक्राइब कीजिए माय फैशन डायरी को, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे स्लीव्स की बहुत ही यूनिक सी डिज़ाइन, आसानी से बनाने का तरीका। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ स्लीव्स की डिज़ाइन के लिए नॉर्मल स्लीव का पैटर्न ड्रॉ करना है। ये 3/4 लेंथ की स्लीव्स है। यहाँ पर ये जो स्लीव विथ है हमें इसको बढ़ाना है। जैसे एक नॉर्मल स्लीव विथ हमारी 4.5 इंच है, आपकी जो भी हो उससे थोड़ा सा बढ़ाना है। मैं यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ इस तरह से। फिर सिलाई का मार्जिन इस तरह से इसको यहाँ से मिला देंगे। स्लीव का ये फिटिंग की स्टिच और ये सिलाई का जो मार्जिन रहता है वो है। और इसके बाद में स्लीव के ऊपर यहाँ पर हम 2 इंच से एक मार्क करेंगे। ये आपकी मर्जी है, आप कितना ज़्यादा, जैसे 3 इंच पर भी ले सकते हैं। उसके बाद में ये जो हिस्सा है हमने 5 इंच के ऊपर दूसरा मार्क दिया है और इस तरह से ये शेप देना है। अभी इस स्लीव्स को हम लोग कट कर देंगे और जो शेप दिया है उसे भी कट कर देंगे। ये शेप आप कम ज़्यादा ले सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ये हमारे स्लीव्स का हिस्सा हो गया, फ्रंट की स्लीव्स का। ये हिस्सा कट करने के बाद हमारा जो ये फिटिंग स्टिच का की लाइन है उसे थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि दूसरी साइड में भी सेम ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकें। ये हो जाने के बाद यहाँ हमारी जो डिज़ाइन है इसके बीच में आनी चाहिए, इसलिए दोनों की साइड में हमने ये फिटिंग की स्टिच की लाइन ड्रॉ की है। नीचे से लगभग 3.5 इंच के ऊपर से ये डिज़ाइन हम लोग शुरू करेंगे बनाना और यहाँ से हम लोग इजीली ये ड्रॉ करना है। ये जो हमारा डिज़ाइन का पैटर्न है वो यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ये एक साइड में हम शुरू करेंगे और फिर दोनों को पलट के डिज़ाइन दूसरी साइड में भी लानी है। यहाँ ये डिज़ाइन पूरी हो जाने के बाद इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं और उसके बाद में डिज़ाइन को दूसरी साइड में सिमिलरली हमें ड्रॉ करना है। इस तरह से पलट के दूसरी साइड में सेम इस तरह से ही डिज़ाइन का बेसिक पैटर्न आ जाएगा। अभी इसे डार्क कर देंगे ताकि हमारा जो हिस्सा है डिज़ाइन का सेम यहाँ पर भी ड्रॉ हो जाए। ये होने के बाद ये जो हिस्से हैं यहाँ पर एक फैब्रिक का इस तरह से पीस आएगा। हमने ये स्क्वायर में फैब्रिक कट किया है 3 इंच का और इस तरह से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसे ये राउंड की तरह से कट करेंगे तो ये हिस्सा हमारा वहाँ पर आएगा। ये लगभग सर्कल है और हमने 2 कलर में ये लिए हैं और इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो इस तरह जहाँ जहाँ हमारा ट्रायंगल है ये जो डिज़ाइन का पैटर्न है वहाँ इसको पिन से अटैच कर देंगे। 2 कलर का लिया है कॉन्ट्रास्ट कलर में और ये दोनों को आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि जहाँ पर पिंक ज़्यादा है उसके बीच में वापस ऑरेंज कलर का भी आ जाए, ऐसे इन्हें सेट करना है। दोनों साइड में सेम कलर कॉम्बिनेशन
ये डिज़ाइन इक्वल तरीके से ही लगानी है हमें। यहाँ पर इस तरह से मैंने ये सारे ऐसे लगाए हैं, पर आपको जहाँ जहाँ कुछ सही लगता है वहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके सेंटर में एक और पीस आएगा। अभी मशीन का जो हिस्सा है, मशीन की लेंथ 0 पे, इसका सिलेक्टर इस तरह और टेंशन 2 पे रखना है। आपकी ये मशीन ऊषा जैनो में वंडर स्टिच है और आपकी मशीन में अगर ये फीचर्स हैं तो आप इन्हें इस तरह से सिलेक्ट कीजिए। अभी यहाँ पर हम स्टिच करना शुरू करते हैं धीरे धीरे। अगर ये आपका कपड़ा आगे नहीं खींच सकता है तो आप थोड़ा पीछे से हल्का सा स्ट्रेच दीजिए तो ये आगे आगे सिलाई आना लग जाएगी। धीरे धीरे आप इसे आगे से आगे लेके जाइए। यहाँ पर ये फैब्रिक का जो हमने ट्रायंगल का पीस यहाँ पर लगाया है अम्ब्रेला का, उसके ऊपर एक बिंदु का हिस्सा आता है एंड में, तो वो कैसे आए, यहाँ पर स्टिच लेते हुए आप बैक स्टिच और फ्रंट ये स्टिच को लेते हुए जाइए तो ये छोटे से बिंदु की तरह ये डिज़ाइन आ जाएगी यहाँ पर आगे फैब्रिक के ऊपर। तो ये डिज़ाइन हमारे इस तरह से बन जाएगी। इस डिज़ाइन के लिए आपके मशीन में ये फीचर होना ज़रूरी है, तो आप इस फीचर को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इस डिज़ाइन के लिए, और बहुत सिंपल सा तरीका होगा। अगर आप ये जो ज़िगज़ैग की स्टिच आई है इसको थोड़ा मोटा बनाना चाहते हैं तो इसको टेंशन को कम कर सकते हैं। अभी यहाँ जैसे जैसे हमने ये ड्रॉ किया है, जो डिज़ाइन ड्रॉ की है वैसे वैसे उसी शेप में आपको स्टिच लेते हुए जाना है, और कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा तरीका है। और जहाँ आपको ये पॉइंट जैसे डॉट का पॉइंट लेना है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा आगे आके थोड़ा वापस बैक जाइए, वापस आगे जाइए आइए, तो ये डॉट सा जो बिंदु बनता है वो बन जाएगा जो हमें इस डिज़ाइन के एंड में चाहिए इस तरह से। तो ये बहुत आसानी से ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। बस अब जो डिज़ाइन हमने ड्रॉ की है उसको आगे से आगे स्टिच करना है। इस तरह ये डिज़ाइन बनाना बहुत इजी हो जाएगा। पर आपको कभी लगता है कि मेरी स्टिच आगे नहीं जा रही है तो पीछे से स्ट्रेच दीजिए, और लगता है कि इजीली जा रही है तो स्ट्रेच मत दीजिए, वरना ये ज़िगज़ैग को फिटिंग वाली नहीं होगी। और बाकी का हिस्सा सारा ही सेम इसी तरह से इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें स्टिच करते हुए आगे जाना है। इस तरह से पूरी डिज़ाइन का मैं ये स्टिच कर चुकी हूँ दोनों साइड में। अभी हमारा ये ब्यास की पट्टी लेनी है और एक स्ट्रेट पट्टी जो हमें पाइपिंग लगानी है स्लीव्स के एंड में। स्लीव के एंड में ये स्ट्रिप जो पाइपिंग की लगानी है वो इस तरह से बनाने के बाद हमें इसे प्लेस करना है
यहाँ पर इसके एंड पार्ट में पाइपिंग जैसे लगाते हैं वैसे ही इसको स्टिच करना है, इजी है। इसे अभी पूरी तरह से पलट देंगे और इसकी राइट साइड में हमें यहाँ पर ये स्टिच लेना है। दो स्टिच लेने के बाद इसका इसके बॉटम का हिस्सा जो है वो फिनिश हो जाएगा। अभी ऊपर जो होल है उसके लिए हमें बायस की स्ट्रिप लेनी है ये पाइप पिन की, और इसे हम ऐसे प्लेस करेंगे। आगे का कुछ हिस्सा हमें छोड़ देना है, ये पाइपिंग का कुछ हिस्सा आगे छोड़ देते हैं, उसके बाद में यहाँ ऐसे स्टिच करेंगे। और यहाँ से अभी देखिए जो शुरू का हिस्सा है वहाँ पर थोड़ी सी डोरी बाहर निकाल के हमने इसे कट किया है और इसे अब अंदर डाल देंगे। अभी जो हमने अभी कंटिन्यू किया था कपड़े को वही यहाँ पर जहाँ पर ये कॉर्नर आ रहा है वहाँ पर नोच देना है और फैब्रिक को वैसे ही थोड़ा सा फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच देंगे। और जहाँ पर ये वी टाइप का पॉइंट है वहाँ पर ही थोड़ी सी प्लेस लेकर इसे फोल्ड करके स्टिच लेना है। ऐसे कई बार कुछ वीडियोस में इनके बारे में डिटेल में बताया हुआ है, तो इसकी कोई डिटेल ज़्यादा यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। और यहाँ पर एक कट दे देंगे पूरा जो वी शेप का हिस्सा है वहाँ पर, और इसे टर्न करके यहाँ इसके पास में स्टिच देना है। यहाँ जहाँ भी कर्व आपको लगती है वहाँ आप एक कट दे सकते हैं जिससे ये खड़ी खड़ी डिज़ाइन ना लगे, पाइपिंग खड़ी खड़ी ना लगे। इस पूरी डिज़ाइन में आप अलग अलग कॉन्ट्रास्ट की चीज़ें जो यूज़ करेंगे वो ज़्यादा इसका लुक आएगा। जैसे यहाँ पर हमने जिगजैग की वो जो फिलिंग की स्टिच ली है एम्ब्रॉयडरी की, वो उसी के अकॉर्डिंग ये पाइपिंग का कपड़ा भी लिया है। बाकी ये जो अम्ब्रेला के जो पैटर्न हैं वो भी अलग अलग कलर के हैं। अभी पूरी डिज़ाइन लगभग इस तरह से है, पर अभी यहाँ पर हमें लेना है एक जो छोटे छोटे पॉइंट हैं वो, जहाँ भी आपको लगता है कुछ खाली हिस्सा लगता है या कुछ अलग अलग जगहों पर, वो हम इस तरह से ये पांच पॉइंट एक साथ बनाने हैं जैसे वो छोटा सा फ्लावर लगे वैसे। तो ये फ्लावर ऐसे बनाने के लिए हमें स्टिच लेनी है और बैक जाके आगे वापस आएंगे तो एक वो पॉइंट जो बन जाता है, ऐसे ही पांच पॉइंट फ्लावर की तरह हमें यहाँ पर स्टिच लेने हैं। और ये जो फ्लावर बना रहे हैं हम वो ऑरेंज और पिंक कलर का जो फैब्रिक लिया है ट्रायंगल की इस तरह से बनाते हुए, वैसे ही कलर का धागा लेना है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा एक नॉर्मल सा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। ये इस तरह से रहेगा, तो आपको जहाँ जहाँ खाली लगता है ये हिस्सा डिज़ाइन में आप इस तरह से स्टिच कर लीजिए। और ये छोटे छोटे फ्लावर्स से इसकी लुकिंग काफ़ी अच्छी आ जाएगी और हमारी ये डिज़ाइन बन के रेडी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।